हेलो दोस्तों, तो आज की मूवी का नाम है नेक्स्ट। मूवी की शुरुआत होती है और उसमें दिखाया जाता है क्रिस नाम का एक व्यक्ति जो कि एक जादूगर रहता है। वह रेस्टोरेंट में बैठा हुआ रहता है और नींबू पानी पी रहा होता है। साथ ही साथ उसे दिखाया जाता है कि वह कुछ भविष्य देख रहा होता है। एक्चुअली उसमें भविष्य देखने की शक्ति रहती है जो कि अपने आगे आने वाले 2 मिनट के भविष्य को देख सकता है। पर उसके भविष्य में अभी भी एक लड़की दिखती है जो कि उसके 2 मिनट के नहीं बल्कि उससे भी कहीं आगे के भविष्य में उसे नजर आती है। और ठीक उसी रेस्टोरेंट में और 8:09 में उसे वह दिखाई देंगे, इसलिए वह उस रेस्टोरेंट में आके बैठ जाता है। 8:09 में उसका इंतजार करता है और आज भी वो इंतजार भी कर रहा है, लेकिन आज भी वो लड़की नहीं आती है। वह निराश होकर अपना शो दिखाने चला जाता है और जाकर वहाँ पर अपना शो दिखाता है। शो दिखाने के बाद वहाँ से वह निकलता है और एक कैसिनो में जाता है। वहाँ पे जाके बहुत सारे गेम खेलता है तो वह भविष्य जान सकता है, इसलिए वह हर गेम को जीत जाता है। जैसे कि वहाँ पे जो कैसिनो के सिक्योरिटी होते हैं कंट्रोल रूम से यह देख रहे होते हैं कि वह हर गेम को जीत रहा है, जिससे उन लोगों को इस पर शक होता है। चूँकि वह भविष्य देख सकता है इसलिए क्रिस उन लोगों के आने से पहले ही वहाँ से उठकर जाने लगता है। वह कैश काउंटर की ओर जाता है और जीती हुई रकम को लेना चाहता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद एक वैसे देखता है जिसने देखता है कि एक व्यक्ति बंदूक लेकर आता है और कैश काउंटर पर बैठी हुई लड़की पर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम सारे पैसे मुझे दे दो। लेकिन उसी बीच में सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर रहता है जिससे वह व्यक्ति इस पर गोली चला देता है और साथ ही साथ कैश काउंटर पर बैठी लड़की पर भी गोली चला देता है। और यह सब इस भविष्य में देख चुका होता है, इसलिए जैसे वह व्यक्ति आता है उसे वह पकड़ कर नीचे गिरा देता है और उसकी बंदूक को छीन लेता है। उधर से सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि उसे पकड़ने के बदले क्रिस को ही पकड़ने लगता है, जिससे क्रिस सबसे बचकर कैसिनो से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर किसी की कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच कैसिनो का मालिक पुलिस को कॉल कर देता है जिससे कि क्रिस के पीछे पुलिस की गाड़ी लग जाती है। वो पुलिस की गाड़ी से भाग रहा होता है कि आगे जाकर उसकी गाड़ी एक ट्रेन से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल उसका एक्सीडेंट नहीं होता है बल्कि वह अपने भविष्य में देख लेता है और भविष्य में जो कि देख लेता है इसलिए वह अपनी गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा देता है जिससे कि ट्रेन के आने से पहले ही वह उस पटरी को क्रॉस कर जाता है, जिसके बाद पुलिस से बचकर वह वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में कैली जो कि एक लेडी FBI एजेंट रहती है उसको दिखाया जाता है। वह अभी क्रिस को ढूंढ रही होती है क्योंकि वह जानती है कि क्रिस में भविष्य देखने की ताकत होती है और वह क्रिस को इसलिए ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि कुछ आतंकवादी उसके शहर में आए हुए हैं जो कि एक परमाणु बम लेकर आए हैं और यहाँ पर वह कहीं पे परमाणु बम विस्फोट करने की तैयारी कर रहे हैं। वह क्रिस की मदद से भविष्य में देख कर उस परमाणु बम का पता लगाना चाहती है और उसे विफल करना चाहती है, इसलिए वह क्रिस को ढूंढ रही होती है। इधर क्रिस गाड़ी को लेकर एक गैराज में पहुंचता है जहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। वहाँ पे जाने के बाद क्रिस रेडी होता है और उस बूढ़े व्यक्ति के साथ पुल खेलने लगता है और साथ ही उसके साथ गप करने लगता है। इसी बीच में क्रिस देखता है कि कैरी उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम मेरी मदद करो, जिस पे क्रिस उसे मना कर देता है। उसके मना करने के कारण कैली बहुत सारे पुलिस को बुला लेती है और चूंकि ये सब कुछ क्रिस भविष्य में देख रहा होता है इसलिए वह कैली के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। फिर एक का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रिस इसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ रहता है और उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है। उस लड़की का नाम रहता है दोस्तों लीच। ठीक 8:09 होते हैं और वह लड़की आती है जिसे क्रिस देखकर पहचान जाता है। फिर वह लड़की जिसका नाम लीच रहता है बगल में जाती टेबल में बैठ जाती है। उसके बाद क्रिस उसे पटाने की बहुत सारी कोशिशें करता है जिसमें हर बार वो विफल होता है। एक्चुअली में वह सारा कुछ अपने भविष्य में जाकर कर रहा होता है जिसमें वह देखता है कि हर बार वह फेल होता है। इसी बीच में लीच का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इसी का मौका उठाकर क्रिस उसके पास जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, जिसमें कि लीच का एक्स बॉयफ्रेंड क्रिस को एक पंच मार देता है जिससे क्रिस वहीं नीचे गिर जाता है। इससे लीच को काफ़ी गुस्सा आता है और वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वह क्रिस को पकड़कर अपने ही टेबल पर बिठा लेती है जहाँ पर क्रिस लीच से बातचीत करके काफ़ी दोस्ती कर लेता है। क्योंकि क्रिस जानता है कि वह किधर जा रही है इस और जानकर कहता है कि उसे भी प्राइज की ओर जाना है, जिस पर लीच कहती है कि वह भी उधर जा रही है। उसके बाद लीच कहती है कि बीच में वह रास्ते में एक गाँव में रुकेगी क्योंकि उस गाँव में वह वहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हर सप्ताह
वहाँ पे वह आती है, इसलिए वहाँ पे एक दो घंटे क्रिस को वेट भी करना पड़ सकता है, जिस पे क्रिस तैयार हो जाता है। इस बार लिजर्ड पेस दोनों फ्लाइट स्टेप शहर की ओर निकल पड़ते हैं। पहले से दिखाया जाता है कि लिजर्ड पेस उस गांव में पहुंच जाते हैं जो कि एक पहाड़ी पे होता है और काफ़ी खूबसूरत होता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रिस और लिज गाड़ी से जा रहे होते हैं और काफ़ी बारिश हो रही होती है। आगे जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि आगे लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद पड़ा है, इसके कारण लिज और क्रिस को बगल के एक होटल में जाके रुकना पड़ता है जो कि एक पहाड़ी पर होता है। लिज एक ही रूम में सोने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करती है, लेकिन वह बोलते से पहले ही क्रिस समझ जाता है और वह उसे कहने से पहले ही वह कहता है कि वह गाड़ी में सोने जा रहा है और वह अगर बाहर की जगह जाकर गाड़ी में सो जाता है। इसी बीच में केली को क्रिस का पता चल जाता है और वे लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर इनमें से वो का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि क्रिस नाश्ता कर रहा होता है और लिज बाथरूम से नहा के निकलती है, वो सिर्फ टॉयल पहन के ही निकलती है, जिसको कि क्रिस देखकर उस पर उल्ट हो जाता है और उसे जादू से गुलाब का फूल बनाकर उसे प्रपोज करता है, जिसे कि लिज एक्सेप्ट कर लेती है और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इसी में दिखाया जाता है कि लिज को शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पे उसे कैली आकर मिलती है और उसे क्रिस के खिलाफ उसे भड़का देती है और उसके बाद उसे एक दवाई देती है जिसे खाती है दो क्रिस के जूस में मिला देने के लिए, जिससे कि वह बेहोश हो जाएगा। लिज उसकी बात को मान लेती है और वापस होटल चले जाती है, जहाँ पर वापस जाने के बाद वह एक जूस में दवाई को मिलाकर क्रिस को दे देती है। क्रिस उसे लेकर बस पीने ही वाला होता है कि लिज उसे मना करती है और सारी सच्चाई बता देती है। उसके बाद क्रिस लिज के साथ मिलकर एक प्लान करता है जिसमें वो कहता है कि वो खाई के रास्ते से नीचे भागेगा और उसके 45 सेकंड के बाद तुम होटल से निकलकर गाड़ी को स्टार्ट करके उस लकड़ी का जो ढेर रखा हुआ है उधर गाड़ी को चला देना और गाड़ी से कूद जाना। उसके बाद क्रिस बाहर निकलता है और कैली को दिखाकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर कैली कुछ एफबीआई एजेंट को उसके पीछे लगा देती है। 45 सेकंड बाद क्रिस बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके उस लकड़ी की रेल की तरफ बढ़ा देती है और गाड़ी से कूद कर वहाँ से निकल जाती है, जिससे बहुत सारी लकड़ियाँ नीचे गिरने लगती है, जहाँ के नीचे क्रिस भाग रहा होता है। क्योंकि क्रिस अपना बहुत से देख सकता है इसलिए वह हर बार बच जाता है और वह बचते हुए नीचे पहुँच जाता है, लेकिन जैसे नीचे जाता है वहाँ पे कैली आ जाती है। वहीं जैसी कैली वहाँ पर बंदूक तानती है उसी बीच ऊपर से बहुत सारी लकड़ियाँ गिरने लगती हैं, जिसमें क्रिस कैली को बचाने के चक्कर में बेहोश हो जाता है, जिससे कैली क्रिस को पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ पर कैली पुलिस को कहती है कि तुम भविष्य देखो और पता लगाओ कि वह आतंकवादी लोग कहाँ पे हैं। जिसमें भविष्य में क्रिस देखता है कि एक कार पार्किंग एरिया है जहाँ पर कुर्सी पर लिज बैठी हुई है और उसके शरीर में एक टाइम बम लगा हुआ है। अब बहुत सारे पुलिस भी रहते हैं और वे लोग उसे बचाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तब भी वो बम फट जाता है और लिज की मौत हो जाती है। यह सब वह भविष्य में देख लेता है, इसलिए वह वहाँ से इसी तरह भाग जाता है और भाग कर उस कार पार्किंग एरिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर वह पहुँचने के बाद पीछे पीछे कैली भी वहाँ पर पहुँचती है। कैली के वहाँ पहुँचने के बाद क्रिस उसे सारी सच्चाई बताता है कि उसने यह सब भविष्य में देखा है, जिसके बाद कैली उसे कहती है कि तुम मेरी मदद आतंकवादियों को पकड़ने में करो, मैं तुम्हारी मदद लिज को बचाने में करूँगी, जिस पर क्रिस रेडी हो जाता है। उसके बाद कैली बोलती है कि तुम भविष्य में जाकर उस गाड़ी का नंबर देखो जिसमें कि यहाँ पर लाया गया होगा। क्रिस ठीक वैसा ही करता है और उस गाड़ी का नंबर पता लगाकर कैली को बता देता है, जिससे कैली सभी एफबीआई एजेंट को उस गाड़ी का नंबर बता देती है। जैसे ही आतंकवादी लिज को लेकर उस गाड़ी से निकलते हैं तभी पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन वे लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और जाकर ऑयल मेकिंग फैक्ट्री में घुस जाते हैं, जहाँ पर क्रिस कैली और पुलिस वालों की मदद से उन सभी आतंकवादियों को मरवा देता है और लिज को बचा लेता है। इसके बाद कैली उस कंटेनर को खुलवाती है जिसमें कि वह परमाणु बम होने की आशंका होती है, लेकिन जैसे उस कंटेनर को खोला जाता है देखती है कि वहाँ पर वो परमाणु बम नहीं है। फिर घबरा जाती है और वह एक कंप्यूटर में अपनी निकाल कर क्रिस को कहती है कि तुम इसमें देखकर मुझे बताओ कि वह बम कहाँ पे है। जब क्रिस उस मैप को देखता है तो देखने के बाद वो कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके ठीक कुछ देर के बाद एक परमाणु बम पड़ता है और सभी की मौत हो जाती है। और फिर सीन यहाँ पे बदलता है और सीन फिर से उस होटल का दिखाया जाता है जिसमें कि कैली और लिज इंटीमेट होने के बाद सोए हुए रहते हैं। एक्चुअल में क्रिस ये सब कुछ भविष्य में देख रहा होता है। उसके बाद वह कैली को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि वह उसकी मदद करने के लिए तैयार है,
जिससे गालिका भी खुश हो जाती है। और उसके बाद वे दोनों एक जगह पे मिलते हैं और फिर उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और उनकी यहीं पर समाप्त हो जाती है वो। तो कैसे लगी दोस्तों आप लोगों को मूवी? आई होप दोस्तों की आप लोगों को मूवी अच्छी लगी होगी। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी मूवी के स्टोरी के साथ।